पुरीरु संघर्ष टीवी तरफ आपण मानक स्वागत। आज आम आसीचु एक क्राफ्ट गाँ नायकपाटना जोटी तालपत्र पोतिर हस्तशिल्प कार्य करसतु ग्राम भितर को जी ये चंदनपुर टू 2 किलोमीटर भितर आगक पड़ो नायकपाटना ग्राम आसतु गाँ को जी नायकपाटना क्राफ्ट भिलेज भितर पहुँचल आसतु आगे जावा गाँ भर कि क्राफ्ट जिनस बिक्री होती कि कार्यक्रम तार चलती आसतु भितर देखने आम गाँ भर आस देख लु एठारे तालपत्र कार्यक्रम चलती तालपत्र पोथी हस्तशिल्प कार्य चलती यठार आमको बस खुशी लगुच देखु कैमेरा पर्सन जितेन्द्र को कह टे देखे एपट को कि गोटे छोट पा छोट पा कि ए कम मजी रही तार से मानने तार मन लगे से कम सी करसन तो बुझी नवा सी के दिन है ये कम शिखिले कौन कर परिचय दे दीप प्रधान रघुराजपुर ये ग्राम रघुराजपुर नायकपाटना आ 18 वर्ष मत आपण ये जो तालपत्र पोथी जो हस्तशिल्प कम कार्यक्रम आपड़ कौन पर चिंता कले कम करी कौन पर चिंता कले आम घर समस्त करते बापा समस्त करते शिखुत शिक्षित कम आठ वर्ष होगा 7-8 वर्ष हम शिखिले 11 वर्ष बयस शिखी आप जो तालपत्र पोथी कम कर किसी पैसा पाँच ना ना एम खुशी कर ना घर समस्त करे पैसा तो किसी मिलूनि आवा कथा खाली परंपरा जो करवा कथा आसा कि शुणिले सान भाई कहले जे बर्तमान परंपरा अनुसार सी करते सेमती किसी भरण पोषण होगा भाई पैसा सी पाना छोट पाटे भी ठीक कथा कहते आसत आम सहित आज जन अच्छा परिचय आज मो ना शरत प्रधान ग्राम नायकपाटना मु 40 वर्ष है कम कले ये कम तालपत्र खोदाई कली ये तालपत्र जो आप खोदाई कम करोत्साहन प्रोत्साहन मागा नायक मो ग्राम मागा नायक तालपत्र कम कर लोक हेल्ले मागा नायक पट्टचित्र करुले जगन्नाथ महापात्र दीज गुरु थे मुझु स्केच भी शिखि नी मागा नायक मुझे आसिक किसी कम शिखिक आसी घरे बसी मागा नायक मत कहले तुम कम कर सी मत गोटे स्केच करके मुझु ये कम ग्रहण करी तालपत्र मागा नायक जो बर्तन आपको शिखे मागा नायक तो पुराणा लोक तो मागा नायक को कौन सी मानपत्र कौन सी सरकारी तरफ प्रोत्साहन किसी जगह दि जाए कि चाहना कि से भी से जिनसटा को टोटाल चाहना माने मानपत्र कि कौन जिन चाहना से आज जाए से कम करु से चलुँ पा मैंने जहाँ जमीका लगि पड़ी किसी इनकम करुँचर जहाँ चलुँ ना सी चाहना कौन से मानपत्र आप जो तालपत्र पोथी कार्य करद्वारा आप पर भरण पोषण होगा भाया कि रोजगार हो ना ना ये आप खुशी कर भरण पोषण आम हो पार आउ साइट रे किछि इनकम करुचु घर चलाउचु एतरे किंतु हम चलि परुनु किंतु गवर्नमेंट रो किछि ये ग्राम को टिके सहायता देले आमे माने एतरे उपकृत होंतु आपण सुनिले हम कारीगर भाई कहले जे बर्तन जो चित्रशिल्पी भाई कहले जे तांकर ये जहां भी काम करछन्ति तांको सरकारी प्रोत्साहन रे समिति बिक्री पै सुविधा किछि हेइनि तो से माने ठीक उचित मूल्य पाउनांति चलंतु आमे आगु को जिबा देखिबा मागुणी नायक घर तो मागा नायक घर से किभली भाव में कम कर शिखा नायकपाटना ग्राम
ରୋଷେଇ ଘରେ ବି ଲୋକ ଆମର ଝିଅ ବୋହୂ ମାନେ କେମିତି ତାଳପତ୍ର ପୋଥି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଚୁଲିରେ ଭାତ ବସେଇଛନ୍ତି, ଏପଟେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଚାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେଲେ। ରଶ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ। ଆପଣ ଏ କାମ କେତେ ଦିନ ହେବ କଲେଣି? ପ୍ରାୟ କେତେ ଦିନ ହେବ? 5 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖୁଛି ଏପଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଘରୁ କିଛି ନା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି? ମାନେ ଏମିତି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ, ମାନେ କାମ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କରିଦେଲେ, 5 ପଇସା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଟିକେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ କରିପାରିବୁ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ନିଜେ କାମ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପଇସା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପଇସା? ନା ନା, ପାଇପାରୁନି। ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ମିଳିପାରୁନି ସେମିତି। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ଏଇଆ, ମାନେ ଆମେ ତ ବେଶୀ କାମ କରିପାରୁନୁ ନା, କେମିତି କାଁ ଭାଁ କରୁଛୁ, ହେଲେ ଯାହାକୁ ଦେଉଛୁ ସେ ସେମିତି ପଇସା କଥା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଶୁଣିଲେ ଯେ ରୋଷେଇ ଶାଳରେ କରୁଥିବା ଭଉଣୀ ଜଣକ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁନି। କାମ କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିକ୍ରି ପାଇଁ, ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଏଠି ଦେଖିବା ଯେ କିଭଳି ସେମାନେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲ ଦେଖିନେବା। ନାୟକପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ତାଳପଥର ପୋଥିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ହେବନି, ମାଗା ନାୟକ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ଘରେ କିପରି ଚାଲିଛି ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ କିଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ। बहन भी ड्रॉइंग टीचर ही है। ଆମେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ ମାଗାନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ। ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ସମସ୍ତ କଳାକୃତି ଦେଖି ଏବଂ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ମାଗାନାୟକ ପାଖରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ବର୍ଷ ହେବ କଲେ? 60 ବର୍ଷ ହେବ କଲେ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଆପଣ ଏମିତି ମନରୁ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ଆମର ହେରିଟେଟରୀ ୱାର୍କ ହେ, ପରମ୍ପରା ହେ ଆମର, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା କରୁଛି। ଆଜିକା ଦିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ଲୋକ ନିଜ ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ପାଖରେ ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖାଇବା ସହିତ ଆପଣ ଗାଁରେ ବି ଏ କଳାକୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ତ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନେ କିଭଳି ଏହାର ଆତ୍ମୀୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କହିବେ? କିଭଳି କେମିତି ଚାଲିଛି ଏଇଟା? ଏଇଟା ଚାଲିବା ମାନେ କିଛିଟା ଚାଲିଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁନି। ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦରକାର, ମାର୍କେଟିଂ ଦରକାର। ଏମିତି ଆମେ ଯିଏ ଆସୁଛି, ଟୁରିଷ୍ଟ ଯିଏ ଆସୁଛି, ସେ କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଏଭଳି କରି ଆମର ଚାଲିଛି, ଅସୁବିଧା ସହିତ ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ କେଉଁଭଳି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦରକାର? ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ? କିଭଳି ଦରକାର ଏଭଳି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ? ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦରକାର। ଆପଣ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ସରକାରଙ୍କଠୁ କିଛି ଅର୍ଥ ହେଲେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ। ଆଜ୍ଞା, ମାଗାନାୟକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କଥା ହେଲେ, ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷ ହିଁ କାମ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ତରରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି କେଉଁ ମିଳିନି କି କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ଆସିନି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେ ମିନିମମ୍ ତାଙ୍କର ସେ
दिनकू दिन तांकर छात्रंकर वृद्धि करि चलछंती। छात्र माने बाहर जाई के माने पुरस्कृत हेलेनी सम्मानित हेलेनी किंतु मागनायक एपर्यंत किछि पाई नाहंती। एठी काम शिखुथिबा किछि महिला एवं पुरुष भाई अछंती असन तांकर सहित कथा हेइ जिबा। आपण ए काम केत दिन बसिले? 12 वर्ष होला। ए काम करिया बे कोन बे मनरे आग्रह होला? ଏମିତି ଆମର ଶିଖଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗୁରୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ଆଗେଇଲୁ କରିବା ପାଇଁକି, କାରଣ ଆମର ଏଇଟା ସଂସ୍କୃତି ହେଇକି ଚାଲିବ ଆମ ପାଇଁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣ ଘର ରହିଲା ପରେ ଶାଶୁ ସ୍ୱାମୀ ଦିଅର ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଘର କରି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, ତ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବିରୋଧ ଅଛି ନା ପ୍ରଶ୍ନ? ନା, ବିରୋଧ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହତା ଅଛି ଯେ କାମ ଆମେ କରୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଶିଖୁ, ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କରେ ବସିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ହଉ ବୋଲି। ଆମ ସହିତ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି କାମ କରୁଥିବା କିଛି ଛୋଟ ଭାଇ, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିନେବା। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ ଶିଖିଲେଣି? 10th ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ କାମ ଶିଖିଲାଣି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ? ଯାହା ହେଲେ 2013 ମସିହାରୁ ଶିଖିଲାଣି। ଆପଣ ଅଲଗା କୌଣସି କାମ ନକରି, ଆଜିକାଲି ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥାରେ ସେ କାମ ବାହାରୁଛି, ନ କରିକିରି ଆପଣ ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ? କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଭାବେ ଧରିକି ରଖିଛୁ, କାହିଁକିନା ଏ ବୃତ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ଆମେ ଶିଖିକି କିଛି ୟାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ୟାକୁ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଲେ ଆମେ କାମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବି ନେଇପାରିବୁ। ଆମେ ବି ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଆମେ ବି ଅଲଗା ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛୁ କିଛି ଶିଖିଥା ଏ କାମ, ଅଲଗା କାମ ଯଦି କରୁଛୁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ଏ କାମ ଶିଖିଥା, କାହିଁକିନା ଏ କାମରେ ଆଗକୁ ଆଗ ଭବିଷ୍ୟତ ବି ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଗକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆହୁରି ବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ କାମ। ଛୋଟ ଭାଇ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଏ କାମ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ହେଲେ ବି ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଏଥିରେ ଅଛି। ଛାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ଏଠାରେ କିଛି ବାହାର ଅତିଥି ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଧୀରେ ତାଳପତ୍ର ଧୀରେ କରାଯାଇଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ବୁଝିନେବା, ସାର୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସାର୍ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଅଂଶୁ ଶେଖର ରାୟପୁର ଛତିଶଗଡ଼ ସେ ଆୟା ମୁଁ କୁଛ ଟାଇମ୍ ସେ ଦେଖ ରହା ହୁଁ ଆପ ଦୋନୋ ଆୟେ ହେଁ ଔର ଦେଖ ରହେ ହେଁ ପୁରା ଇସମେ ପୁରା ମାନେ ମଜେ ମେ ଲଗେ ଇସମେ ଔର ଇଧର ଉଧର ଯୋ ଆ ରହେ ଆପ ଇସକା ଆତା ପତା ମିନ ଆପକୋ ନେଇ ମାଲୁମ ପଡ଼ତା ହେ ଇସମେ ଆପକା କ୍ୟା କେସେ ଲଗ ରହା ହେ ଓ କାମ? इसमें हमें ये दिख रहा है कि ये जो कारीगर लोग यहाँ पर जो काम कर रहे हैं कितने मुश्किल का काम है, और इसको सीखने में इसको करने में इनको कितना समय लगता है, और ये करके ये हमारी जो भारत की संस्कृति है उसको किस तरह की इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये शहरों में तो कोई नहीं कर रहा है, ये यहाँ पर बैठ करके लोग ही कर रहे हैं इतना मेहनत, तो हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए इसके लिए। वो लोग का एक दुख है कि इस लोग को वो काम को मार्केट में सेल करने के लिए सरकार एक प्रोत्साहन कुछ नहीं है, तो आप सरकार को कैसे संदेश देंगे कि वो वाला कारीगरी को कैसे प्रोत्साहन देंगे? मुझे लगता है सरकार के ऊपर डिपेंड होने से बेटर है ना कि ये लोग खुद को ऑर्गेनाइज करें और खुद को जो बिचौलिए हैं ना उनसे बच करके और अपना काम सामने लाएं। ऑफकोर्स सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इनको प्लेटफॉर्म दे, क्योंकि इन लोगों के पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, बट मेरे ख्याल से आर्टिस्ट को भी थोड़ा सा स्मार्ट बनना चाहिए और बिचौलियों के ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और वो काम सरकार का हो कि बिचौलियों के चक्कर में ना पड़ने दें आर्टिस्ट को। आपने सुनिले जे सार कहले जे एथिपति सरकार दृष्टि देवा दरकार, जोटा कि आमर भारत कलाकर्ज को देखा कलाकृति को देखा से आज एत सरकार निहाती पक्ष साहब दरकार और प्रोत्साहन देवा दरकार। आम सहित अच्छा ଆଉ ଜଣେ ବାହାର ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସହିତ କଥା ହେଇନି ସାର୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦିଏ, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୁତି ପାଣ୍ଡେ ହୁଁ, ମୁଁ ବି ରାୟପୁର ଛତିଶଗଡ଼ ସେ ଆଇ ହୁଁ, ଇନକି ପତ୍ନୀ ହୁଁ। ଆପକୋ ଏ ଯୋ ଦେଖ ରହେ ହୈ ଯୋ କାରୁକଳା ଦେଖ ରହେ ହୈ ଆପକୋ କେସେ ଲଗ ରହା ହୈ ଓ କାରୁକଳା? देखिए ये ना बहुत सिंपल सी चीज़ नहीं है, जिनकी ड्राइंग अच्छी है वो बना सकते हैं। इसके लिए ना इमोशंस होने चाहिए, मतलब वो पूरे विचार अंदर से आने चाहिए और जिसको वो प्रेजेंट कर पाएँ अच्छे से, और एक बहुत अच्छा टीचर चाहिए। तो ये तो देखने हमको नहीं मिलता कहीं भी कि अपने पूरा दिल में जितना सब कुछ था वो उन्होंने पटचित्र पर निकाल दिया है, ये एक पाम लीफ पर निकाल दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। आप एरिया में जाएंगे, आपके बंधु और जो दोस्त लोग है
इस लोग को पूरी घूमने आएंगे तो उड़ीसा घूमने आएंगे तो नायक पढ़ना कि वो क्राफ्ट के बारे में कैसे क्या बोलेंगे। मैं बिल्कुल सबको जाके बताने वाली हूँ कि ऐसी कोई जगह है जहाँ पर हमें कलाकार अपनी कलाकारी ऐसे दिखाते हैं और इसको बढ़ावा मिलना चाहिए, बस यही चाहती हूँ। धन्यवाद। मैडम कहले जे बर्तमान ए कारुकार्य को जिते बड़े से गाँव को कि बंधु बांधव मान जे जी भी पूरी आसू ओडिशा आसू निश्चिंत ए गाँव को बुलवाक आसवाक से कहे मागा नायक देखु तेरे किभली ये गाँव महिला पुरुष शिक्षार्थी मैंने किभली शिक्षा लाभ नौकरी तो आम बर्तमान ये पहुँचला आम सहित किसी बाहर अतिथि ये अच्छा तो आसतु तुम्हें बुझीनवा से कहीं आसते किभली आसे आपका परिचय दीजिए। मैं सोनल शुक्ला चन्नी रोड से ब्लॉसम स्कूल की ड्राइंग टीचर हूँ और ये कश्मीरा गोपी बिरला स्कूल की ड्राइंग टीचर है। आप ये नायकपटना में जो ताड़पत्र पोथी का जो कार्यक्रम जो हो रहा है इसके बारे में आपको कैसे जाना है? मैं एक ड्राइंग टीचर होने के नाते मुझे ये नॉलेज है, हर एक स्टेट का अलग अलग आर्ट होता है उसके कारण, और हम लोग ये बच्चों को सिखाने के लिए कि हर एक स्टेट का जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसका इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए कि ये जो हाथ की कारीगरी है तो उसका इम्पोर्टेंस बच्चों को दिखाने के लिए हम खुद यहाँ पे आए हैं देखने के लिए। और जो दिया है बच्चों को अभी हर एक स्कूल में आर्ट इंटीग्रेशन कि अपने महाराष्ट्र का कल्चर और ओडिशा का कल्चर दोनों को मिला के उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाओ और बच्चों को अलग अलग तरीके से सिखाओ, तो ये हम खुद देखने भी आए हैं। वैसे हमको ये आप लोग सारा भारत घूम रहे हैं इस काम को देखने के लिए, तो पूरी में वो नायकपटना इतने छोटे छोटे गांव में वो जो काम हो रहा है इसके बारे में आप कैसे लग रहा है, कैसे महसूस कर रहे हैं वो काम के बारे में? बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे लोग काम कर रहे हैं और बड़ी उम्र के जो भाभियाँ दादियाँ सब वो लोग भी काम कर रहे हैं, तो छोटे बच्चे से लेके बड़े लोगों तक आपका कल्चर बराबर फैला हुआ है और सब लोग इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं। आप सुन ले जो बाहर पकड़ के रखा है बाहर जो आसी अतिथि मैंने से मैंने कहले जे ए कारुकार्य को से मैंने प्रति जगह पहुँचवापी चेष्टा चलते सब शिशु मान मान छात्र मानक ये सब जिन शिखापी से आठिक देखापी आम ये नायकपटना मागा नायक घर समस्त कलाकृति आ गाँव कलाकृति देखी सारा मैंने ये समस्ती प्रोत्साहन निहाती दरकार तेणु सरकार ये प्रति ध्यान देवा दरकार। आम आसतु शेष में जी मागा नायक पुओ जे कि संस्था को बाहर केमी बिक्री करभली निज परिश्रम बल नहीं गाँव लोक जिनस किप मार्केट बिक्री कर चलुंत से विषय बुझे जय जगन्नाथ। मो ना प्रसन्न नायक, मो कलाकृति विकास केन्द्र संपादक अच्छी। आप जो आप बाबा कर जो गाँव जो सब कलाकृति करठी तो पर्यटक आसवा संख्या कम तो युवा किभली मार्केट सेल कर आम फैमिली समस्ते ये कम करती मुझे ये कम करे चित्र कम करे आम पिला पाठ पढ़ा सहित ये आम समस्त मग्न अच्छे आम बहुत असुविधा होता आगे से बहुत असुविधा होता कम खंडे या बाहर को नहीं क्या बेपारिक नहीं दबा पूरी में नहीं दबा होटेल को गेस्ट अच्छी नहीं कि देखा एमती करें ये जिनस सेल कर आगको किभली कौन चाहूँगी आगे आप जिन बिक्री करें जन कहले एयरपोर्ट रे बिक्री करने पके ये सब जिनस को प्रोत्साहन देवा मिलवा निहाती दरकार। देखते जिते आप समस्त भावुंत कौन तालपत्र दिनक दिन बहुत लोक छाड़ सारे बहुत कम लोक कम करोथीचित्र आज बहुत परिश्रम हुए बहुत परिश्रम अनुसार आम को दु पैसा अधिका मिले ना तेणु बहुत लोग छाड़ सारे कि आमर कह अर्थ ये जिनस को प्रोत्साहन निहाती दरकार बाहर विदेश देश ओडिशा बाहर भल भल जगार या भल प्लाटफर्म जदि सरकार तरफ यदि या मार्केटिंग करा जाए से जगार जाए भल भल प्लाटफर्म निश्चित यार मान बढ़ यार मान बढ़
निश्चित जो कारीगर मैंने जो युव पा मैंने आसुना एरक निश्चित आसवे दी पैसा अधिका जो जोटा आम एटी बेपारी दौ लोकाल बेपारी दौ दस टाँचा से आम बाहर मार्केट बाहर गल कोड़े टाँग पाइबू कि तीस टाँग पाइबु निश्चित यार मानदंड बढ़ो मानद बढ़ले समय बिक्री पटा भल हम भल हेले निश्चित अलग पाने जुव पाने मन बल ना जिन आस्ते आस्ते लोप पाई बहुत परिश्रम परिश्रम अनुसार आमको इनकम हो आपले प्रसन्न नायक जे प्रोत्साहन दरकार बिक्री कहीं आजिका दिन में समस्ते कूल व्यवसाय छाड़ा बेले नायकपाटना गाँव में मागा नायक सकाशे समस्ते निज परंपरा को जबड़ी रखिंट तेणु एटी सरकार तरफ प्रोत्साहन निश्चिंत आवश्यक थवर जमापड़ी पूरी रु जितेन्द्र साहू कैमेरा पर्सन जितेन्द्र साहू रमेश चंद्र साहू संघर्ष टीवी।